नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआरएन न्यूज़। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। पारधी समुदाय की महिलाएं पहुंची एसपी निमिष अग्रवाल से गुहार लगाने। इन महिलाओं में से एक महिला वो भी थी जिसके पति की हत्या मोहर सिंह पारधी और उसके गैंग ने कर दी थी। उस महिला ने बताया कि उसके पति की मौत का केस कोर्ट में चल रहा है, जिसकी पेशी 12 तारीख को होना है, जिसके लिए मोहर सिंह पारधी और उसकी गैंग लगातार उन पर दबाव बना रही है कि गवाही ना दें। वहीं बता दें कि कल हुई इस घटनाक्रम में मोहर सिंह पारधी ने इन लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद एक पारधी की मौत भी हो गई थी। वहीं देखा गया कि इस मामले में केवल एक ही तरफा कार्रवाई की गई है। सूत्रों की माने तो जब शहजादी पारधी का आज अंतिम संस्कार किया गया तो उस समय बहुत से हथियारबंद अपराधी वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक इन महिलाओं के गुहार को किस तरह से लेते हैं। तारीख 12 तारीख है, उस पे भी कुछ भी हो सकता है। मरवे के दम पे हम गवाह दे रहे हैं। ये मेरा चाचा है, मैंने मेरा घर वाला है, तो साहब वहाँ पे हमको कभी भी मतलब खतरा है। अभी शाम तक भी हो सकता है, कल भी हो। हमने पुलिस की हमको जरूरत है, ये तो हमको वो कल आए थे, दारू भी पी रखी थी। कौन आए थे? एक तो शहजादी। शहजादी किसकी गिरोह का आदमी था? वो मोहर सिंह गिरोह की आदमी था। तो उसको वैसे किसने मारा? उसको मारा, पीछे से गोली लगी हुई है, पिस्तौल की यहाँ पे लगी हुई है। कौन ने चलाई थी उसके ऊपर? उसके ऊपर चलाई हुई है, अब वो तो हमको पता नहीं, पर आगे पीछे चला रहे थे हमारे घर पे बंदूक, तो उसमें लगी हुई है उसको। हमारे आदमी पुलिस के मारे घर पे नहीं रह रहे हैं, वो डांग में थे। फिर हमने पुलिस पे फोन लगाया, कोतवाली भी फोन लगाया हमने, रोटियां भी लगाया, फिर पुलिस आई, फिर वो भाग गए। फिर हमने खून भी बताया जाके, कहीं यहाँ से लाश उठा के ले गए, वहाँ से कारतूस भी मिले पुलिस वाले को, चप्पल भी उठाए उसके। हमारे पे झूठा मतलब ये केस लिखवा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा आयोजित करने जा रही है एक ज्ञान प्रतियोगिता। इसके बारे में आज जानकारी देने के लिए एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि 23 जनवरी को आयोजित होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों से 10 रुपए लिए जाएंगे, जिसके बदले में उन सभी प्रतिभागियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित एक किताब भी दी जाएगी, और इसी किताब के आधार पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सौभाग्य मिला है जहाँ की भारतीय जनता युवा मोर्चा की मंडल स्तर तक की कार्यकारिणी गठित होती थी, पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर तक की 11 सदस्यीय टीमें भी गठित हो रही है, जो कि भाजयुमो को बनाने भी अपने जो सिस्टम जो अपने पत्रक लेके अपने जो उद्योग विभाग इन लोगों से पूरी जानकारी लेके हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जो युवा हम लोगों के संपर्क में है, पूरे प्रचार प्रसार के साथ सबको सूचित करेंगे, पूरे फॉर्म एकत्रित करेंगे। फॉर्म एकत्रित करने के बाद हम लोग उद्योग विभाग में जाएंगे और उन लोगों को फॉर्म सबमिट करेंगे, और जो भी उसमें योग होंगे उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और योजनाओं को छात्र और जो भी हैं उनको लाभान्वित कराएंगे। दीनदयाल जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, मालवीय जी हो, बाल गंगाधर तिलक जी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक निर्णय लिया है कि जितने भी राष्ट्रवादी विचारक रहे देश के अंदर उन सबकी जयंती मनाई जाएगी, उन सबके नाम पे कोई ना कोई प्रतियोगिता या उनके नाम पे कोई ना कोई पुरस्कार हर वर्ष दिया जाएगा। उसी संबंध में पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पूरे वर्ष भर के अंदर पहली बार उसका आयोजन हो रहा है, जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर भी नामित की जाएगी, जिसका नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तात्पर्य। इसके अलावा सभी पत्रकार बंदियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यह प्रतियोगिता पूरे मध्य प्रदेश में 23 जनवरी को एक साथ सभी स्कूलों में आयोजित की जा रही है। इसी के अंतर्गत गुना जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा भी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यह गुना जिले के सभी स्कूलों में सभी मंडलों में एक साथ होगी, जो कि गुना शहर में एक खुले ग्राउंड में
अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राएं सभी स्कूलों के इसमें सहभागिता करेंगे। युवा प्रतियोगिता के लिए हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बुकलेट देगा। इस बुकलेट से पहले हमें एक पंजीयन रसीद 10 रुपये की हम लोगों ने पंजीयन रसीद कटाई है। उस पंजीयन रसीद जो भी पंजीयन होंगे उन छात्र छात्राओं को एक बुकलेट दी जाएगी। उसमें सभी प्रकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संबंधित 40% प्रश्नावली होगी, 30% प्रश्नावली प्रदेश सरकार की योजनाओं की होगी, 20% प्रश्नावली केंद्र सरकार की योजनाओं की होगी और 10% प्रश्नावली उसी बुकलेट में से सामान्य ज्ञान के आधार पर होगी। यह इस प्रकार से 100% इसके प्रश्नोत्तर से संबंधित, इसके बाद सभी मंडलों में मंडल स्तर तक के पुरस्कार रहेंगे और जिला स्तर तक के रहेंगे और जिले की जो 3 प्रतिभा इसमें से निकल के आएंगी वो प्रदेश में परीक्षा देंगी भोपाल में, वहाँ उनमें से जो यहाँ से 3 जाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा और उनमें से जो भी 3 निकलेंगे उनको हमारे यशस्वी प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सम्मानित करेंगे पुरस्कार। कुल मिला के ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इसका हमने एक शीर्षक दिया है मेरे दीनदयाल। दीनदयाल जी का जो स्रोत दिया है एकात्म मानवतावाद, उसके अंदर उन्होंने बताया है अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं या जो संपन्न परिवार के लोग हैं वो पूछे और उस व्यक्ति के पास जाके उसकी मदद करें चाहे वो किसी भी ऋतु के अंदर। तो उसी के संदर्भ में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर से फिर प्रदेश स्तर तक जिला स्तर तक और मंडल स्तर हमारे सारे 11 युवा मोर्चा के भाजपा के जो 11 मंडल है पूरे के पूरे 11 मंडलों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सभी मंडलों में इसके अलग अलग पुरस्कार वितरण किया जाएगा और एक बड़ा पुरस्कार अपने जिला स्तर पर इसका वितरण किया जाए। कृषि उपज मंडी में आज दिन भर लगा रहा किसानों का तांता। किसान अपने खेतों के लिए यूरिया खरीदने गल्ला मंडी पहुंचे, जहां पर घंटों इंतजार करने के बाद सभी को यूरिया मुहैया कराया गया। इसी बीच कई किसान आपस में उलझते भी नजर आए। अभी कितना पेपर है 200 रुपये गया हो रहा, भीड़ तो बहुत ही मुश्किल है। आप आए उसको जरूरत है 10 कट्टे की, उसने अभी 3 कट्टे यहाँ जो लेके जा रहा है वो दोबारा लग गया, भीड़ खत्म नहीं हो। मोटर दिलवाओ, तो मोटर नहीं ले रहे ना गए तो दुकानों से तुम भी चले जाओ। शहर में एक बार फिर बहेगी ज्ञान की गंगा। भार्गव कृषि फार्म पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि आगामी 9 दिसंबर से श्री राम कथा का आयोजन भार्गव कृषि फार्म पर किया जाएगा। इस कथा में कथावाचक होंगे श्री प्रेम भूषण जी महाराज। इसके बारे में विस्तृत जानकारी नर्मदा भार्गव ने सभी पत्रकारों को दी। एक अविस्मरणीय कल्प ऐसे थे कि उन्होंने सबसे पहले एक बार यात्रा में थे तो गौ माता की दशा देखकर बड़ी दुखी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपनी गौशाला बनाते। तो 2010 में गौशाला की प्रारंभ की अपन ने और 2011 में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी द्वारा उसका लोकार्पण किया गया। आज भी लगभग 700-800 गाय जो भी सहारा है रोड़ों पे घूमती हैं वो सब गाय ग्राम भदौरा में सानिध्य पाई हुई और उनकी कृपा हम पर बरसती है। उसी संकल्प में एक अपन ने अभी विद्यालय प्रारंभ किया है पंडित काशीनाथ भार्गव स्मृति स्कूल, तो जो छोटे लेवल पे ही शुरू किया है लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रेमचंद जी महाराज जी की कृपा हम लोगों पर भार्गव परिवार पर और इस शहर पर बरसेगी। राम कथा रूपी गंगा में सब लोग स्नान करेंगे आनंद लेंगे और इसी प्रकार ये परंपरा निर्बाध रूप से चलती रहे। और पूज्य भाव जी की प्रेरणा से संत शिरोमणि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भी एक कथा यहाँ पर आयोजित हुई मलू पीठा जी पंडित काशीनाथ जी भार उनके प्रकल्प में गौशाला भी यहाँ। फिर राजन मलू पीठाधीश्वर महाराज जी राजेंद्र जी महाराज जी की यह कथा हुई
रामानुज कूट के अयोध्या पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज जी के यहाँ कथा का अवसर मिला, और हमारे पड़ोस के ही बासोदा के पास जो नवलखी घाट स्थान है उनके महंत राम मनोहर दास जी महाराज जी की कृपा वर्षी है, और उसी समय रत्नेश जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, और रासलीला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो पूरे विश्व में अपने रास और रासाचारी के रूप में पूरे विश्व में उनकी कार्यक्रम देते रहे। आज एक नाबालिग के साथ होती हुई एक बड़ी घटना टल गई। क्षेत्र के पुलिस लाइन में अचानक एक नाबालिग बच्ची बदहवास हालत में भागती हुई दिखी। तभी पुलिस लाइन में रहने वाली एक महिला ने उसे कपड़े दिए और अपने घर में बैठाया, साथ ही पानी भी पिलाया। बच्ची से बात करने पर जो कहानी बच्ची ने बताई उसे सुनकर महिला के रोंगटे खड़े हो गए, तथा तत्काल ही उस बच्ची को डायल 100 की सहायता से सिटी कोतवाली पहुंचाया गया। जो मामला सिटी कोतवाली TI विवेक अस्थाना ने बताया उसके मुताबिक लड़की पड़ोस में ही रहने वाले इरफान के साथ पूजा करने के लिए गई थी। इरफान उस बच्ची को पूजा करने के बहाने से घर से लेकर गया था। जब बच्ची 15-20 मिनट में घर नहीं लौटी तो उसकी माँ परेशान हो गई, साथ ही उसने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मोहल्ले की एक महिला की मदद से उसने थाने में फोन लगवा दिया। वहीं बच्ची की माँ की माने तो इरफान ने उस बच्ची को ले जाने से पहले उसकी माँ को बताया था कि तुम्हारे पति को करीब 1 साल पहले खत्म हो गए थे, जिसकी आत्मा अभी भी घूम रही है, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए पूजा करना है। जब माँ ने यह कहा कि मुझे भी ले चलो तो आरोपी ने कहा कि तुम विधवा हो, तुम पूजा नहीं कर सकती हो, साथ ही उसने बच्ची को अकेले ले गया। वहीं नाबालिगा ने बताया कि उससे आरोपी ने कुछ पूजा भी करवाई, साथ ही उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया, जिसके विरोध स्वरूप लड़की वहां से भाग खड़ी हुई और बदहवास हालत में पुलिस लाइन पहुंच गई, जहां पर एक महिला की मदद से वे थाने पहुंचाई गई। सूत्रों की माने तो इस मामले में गड़ाधर निकालने के लिए बच्ची का उपयोग किया जा रहा था, वहीं जमीन से खजाना निकालने के फेर में बच्ची की बलि भी चढ़ाई जा सकती थी। हालांकि इस मामले की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने वास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामला चाहे जो भी हो, बच्ची के हौसले के चलते बच्ची एक बड़े हादसे होने से बच गई है। सूत्रों की माने तो इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। मतलब हमारी कॉलोनी में देखा कि वो लड़की चिल्लाते हुए आ रही थी चांदवाड़ी ग्राउंड साइड से, और बहुत डरी हुई थी, और उसके शरीर पे बिल्कुल कपड़े नहीं थे, बस एक टॉप पहना हुआ और नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, बहुत डरी हुई थी। फिर बगल वाली आंटी ने उसे जल्दी से अंदर लिया और कपड़े दिया उसको पहनाया, और उसे पानी वानी पिलाया, और उससे पूछा कि मतलब क्या हुआ बेटा, तो उसने बोला कि आंटी मेरे साथ ऐसा ऐसा आदमी ने किया है, मुझे ले गया था, ऐसा बोल रही थी वो। फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो फिर पुलिस आई थोड़ी देर में, फिर कार्रवाई हुई है। बग कोतवाली क्षेत्र में एक कंप्लेन आई थी कि एक बच्चे को इरफान नाम का एक आदमी 26 वर्ष का दुर्गा कॉलोनी निवासी वह कुछ पिताजी की आत्मा की शांति को का बहाना बनाकर उसे ले गया है, और जब उसके घर पे जाके देखा तो वहाँ पे ताला डला हुआ था। इसी बीच 100 डायल पे सूचना प्राप्त हुई कि कोई ऐसी बच्ची इस अवस्था में पुलिस लाइन में मिली है। तुरंत वहाँ से कैंट और कोतवाली थाना प्रभारी सहित रवाना हुए, और वहाँ पर जाके देखा तो वो बच्ची हमें मिली है। उसने सारा बताया कि इरफान नाम का लड़का उसकी पूजा के बहाने और मज़ार पे फूल चढ़ाने के लिए वहाँ पर ले गया, और उसने इंटीरियर में जाकर उसके साथ रैप अटेम्प्ट की का प्रयास किया। बच्ची इनोसेंट है, 14 साल की है। आरोपी की तलाश जारी है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला है? अभी आज सवेरे करीब 9:30 बजे एक नाबालिग बच्ची को इरफान नाम का व्यक्ति मेला फुसला करके तेरे पिताजी जो ख़त्म हो गए थे उनकी आत्मा भटक रही है, बच्ची की माँ भी साथ में थी, बच्ची की माँ से ये बोल करके तो उनकी आत्मा भटक रही है, कुछ पूजा करानी है, और बच्ची और उसकी माँ पहले इनके जाते रहते थे, पिताजी के समय जाते रहते थे, तो उस माने से उसको बहला फुसला करके ले गया था। तो तत्काल जैसे ही जब 2-1 घंटे नहीं आया, बच्ची की माँ ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तत्परता से 100 नंबर पे और जगह जगह अपने वायरलेस के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से सूचना दी, तो बच्ची को तो रिकवर कर लिया गया है, बच्ची को उसकी माँ से भी मिलवा दिया गया है।
आरोपी अभी फरार है जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संबंध में आरोपी के प्रति भी बच्चे नाबालिग है, अपहरण का प्रकरण पॉक्सो का भी धारा उसमें समावेश किया गया है, अन्य भी जो भी धारा इसमें समावेश करना होगी बिल्कुल की जाएगी। सर क्या आरोपी का कोई वाहन भी पकड़ा गया है क्या? नहीं, आरोपी बच्ची को ऑटो से ले गया था आधे रास्ते तक, उसके बाद वो पैदल गया। सर ये कहाँ पर पकड़े हुए? आरोपी को ये अपने फायरिंग रेंज के आगे जो तालाब है उसके पास जंगल से रिकवर किया। सर कितने लोग थे? एक आरोपी है। बग जंगल के कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर मनाया शौर्य दिवस। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचा विध्वंस किया गया था जिसको 25 वर्ष पूर्ण हो गए। रावगढ़ बजरंग दल के द्वारा विशाल मशाल जुलूस निकालकर एक रैली निकाली गई जो कि प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। रैली का जगह जगह पर धर्म प्रेमी बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। कार्यक्रम में मुख्य चौराहे पर धर्मसभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के जिला सुरक्षा प्रमुख गोलू ओझा, सुधीर सेन, अर्जुन गुर्जर, दीपक सोनी, गिरी गुर्जर, प्रदीप केवट, विष्णु गुर्जर, सीताराम प्रजापति, आनंद सिंह सिसोदिया, सोनू भार्गव समेत अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू समाज के सेवक अनेक संगठनों के कार्यकर्ता ने अपना बलिदान दिया। सन 1990 में बजरंग दल द्वारा तार सेवा का आह्वान हुआ और अयोध्या में रामलला के मंदिर पर जो ताट के हट्टे में रामलला विराजमान है उस समय वहां के शासक मुख्यमंत्री ने हमारे अनेक प्रतिनिधियों को गोली से मरवा दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसे मुल्ला मुलायम सिंह ने हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर निर्मोही लगाया। राधोगढ़ जनपद पंचायत के सभागार में जिला सीईओ ने 99 पंचायतों के सचिव व रोजगार सहायकों की बैठक ली। जिला सीईओ एनएस नरवरिया ने लापरवाही बरतने वाले 5 पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों को नोटिस भी जारी किया। जिला सीईओ एनएस नरवरिया ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि अगर शौचालय साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी तरह की लापरवाही की गई तो लापरवाही करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बैठक में जिला सीईओ ने 99 पंचायत में से केवल 5 पंचायतों के सचिव व रोजगार सहायकों को ही नोटिस दिया है। जैसा ये गाता और ये नहीं हो पाया, मैं लक्ष्य के साथ आप लोग अभी कोई नहीं जाएगा, तो आप लोग जाएंगे नहीं, आप लोग अच्छा काम करना, इसके लिए सबसे धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन जो अपन ने अभी लिखा दिया है किसी साथी ने भूल से कम लिखा है तो सभी लोगों ने मैं समझता हूँ कर लिया होगा। कलेक्शन हो गया, कलेक्शन हो गया तो उसको जल्दी से अपन उसको नेट पे डाल। एक सामग्री की बात हो गई, दूसरा और डाल करके कल डीसीएस उसने कोई भी रावगढ़ की पंचायत जीरो नहीं देना चाहिए। पंचायत आपके सीओ साहब बता रहे हैं तो इनको आप लोग लगा करके मन लगा करके इसको कर दीजिए। ये अभी बैठक अनिल साहब जानकार हैं मनरेगा के, तो इनके कुछ रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के शौर्य दिवस के रूप में गुना में कल देर शाम बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कार्यक्रम में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।